कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सर्वतोभद्र जिनालय परिवार बलकेश्वर आगरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज ग्रेटर कमला नगर आगरा उत्तर प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शक, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धर्म नगरी आगरा स्थित बलकेश्वर ग्रेटर कमला नगर में निर्मित होने वाले श्री 1008 सर्वतोभद्र जिनालय का 10 मई 2024 को भव्य भूमि शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान में समस्त भक्तों ने मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में मांगलिक क्रियाएं करते हुए पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, अवलोकन करते हैं इस समारोह के अनुपम दृश्यों का। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धन नगरी आगरा स्थित बलकेश्वर में परम पूज्य षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित होने जा रहा है श्री 1008 सर्वतोभद्र जिनालय। आगरा के ग्रेटर कमला नगर की वृहद पंच तीर्थ योजना के अंतर्गत बनने जा रहा है पंच जिनालय तीर्थ, जो कि आगरा क्षेत्र का पहला ऐसा तीर्थ स्थल होगा जो सामाजिक एकता की अनूठी मिसाल बनेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 19 से मात्र 125 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस मंदिर जी के महामहिम ट्रस्टी श्री प्रदीप जैन PNC एवं श्री निर्मल जैन मोठिया के अनुसार इस अनूठे जिनालय में जहां नवग्रहों से संबंधित तीर्थंकर भगवंतों की 9 ऐसी प्रतिमाएं विराजित की जाएंगी जिनके पूजन वंदन से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वहीं मंदिर जी में शीतलनाथ भगवान एवं महावीर भगवान सहित जिनेंद्र भगवंतों की 11 मनोज्ञ प्रतिमाएं भी विराजित की जाएंगी। आगरा नगर के सबसे विशाल इस मंदिर में तीर्थंकर भगवंतों की उड़ीसा एवं कर्नाटक के काले पाषाण से निर्मित 5.25 फुट उत्तुंग खड़गासन मुद्रा वाली 10 प्रतिमाएं विराजित की जाएंगी और सबसे मध्य में स्थापित होंगे मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान। आगरा के ही कमला नगर स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर, शालीमार एन्क्लेव स्थित पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, कर्मयोगी एन्क्लेव स्थित नेमीनाथ दिगंबर जैन मंदिर एवं गंगे गौरी बाग स्थित चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर की समाज मिलकर क्रमानुसार इस मंदिर में पूजन आदि की व्यवस्थाएं संभालेंगी। इसके अतिरिक्त आगरा आने वाले धार्मिक पर्यटकों को यहां प्रभु के दर्शन वंदन कर अपने कष्टों को दूर करने का अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही उनके लिए जैन मर्यादित भोजन की भी व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। गंगे गौरी समाज की बढ़ती संख्या के कारण यहां स्थापित चंद्र प्रभु मंदिर छोटा पड़ रहा था। सन 2014 में मंदिर निर्माण की योजना बनी किंतु उपयुक्त भूमि का चयन न होने पाने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ था, लेकिन यह गंगे गौरी समाज का सौभाग्य एवं समाज के मुख्य संयोजक श्री पंकज जैन एवं श्री रजत जैन एवं श्री नरेंद्र जी जैन द्वारा समाज की सुख समृद्धि हेतु किए गए विशेष प्रयास ही थे जो यह मंदिर अब शीघ्र ही अपनी पूर्णता को प्राप्त होगा और मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज की घोषणा के अनुसार इस मंदिर की पंचकल्याण प्रतिष्ठा आगामी फरवरी माह में सम्पन्न होगी। मंदिर निर्माण निर्देशन प्रदान करने वाले मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य एवं पंडित संदीप जैन शास्त्री सरल महगांव वाले के निर्देशन में 10 मई 2024 को इसी जिनालय का भव्य भूमि शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया। सर्वतोभद्र जिनालय परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज ग्रेटर कमला नगर आगरा के तत्वावधान में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में सर्वप्रथम पुण्यशाली श्री पवन जैन श्री पराग जैन गणपति परिवार ने पूज्य गुरुवर के निर्देशन में फीता खोलकर मंडप का उद्घाटन किया। इसके पश्चात ही शुभ क्रियाओं के मध्य सौभाग्यशाली श्री अतुल जैन एवं श्रीमती मीना जैन परिवार को कार्यक्रम स्थल पर धर्म ध्वजा फहराने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहरा। ध्वजारोहण के उपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल एवं अर्घ्य समर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। जी
विराजमान परम पूज्य मेडिटेशन गुरु उपाध्याय वे संत सागर महाराज सत्संग चरण बिन महा अर्घवंद बोलते नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु उपाध्याय श्री हमारे राहुल भाई, नमोस्तु गुरुदेव। अगले क्रम में विशिष्ट जनों ने परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद अन्य सभी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की, तो वहीं महानुभाव ने नवनिर्मित जिनाले को लेकर अपने उद्दार व्यक्त किए। ये मंदिर महाराज जी ने कहा है 9 महीने में बनेगा, तो कितने महीने में बनेगा? 9 महीने में बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, इसके मूल नायक भगवान आदिनाथ होंगे, इसलिए हमारा सबका निवेदन, पूरे आगरा समाज का निवेदन कि अब की बार का चातुर्मास ग्रेटर कमला नगर में करने की स्वीकृति प्रदान करें। जय हो महाराज जी, जय हो महाराज। इधर कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य जन का कमेटी द्वारा स्वागत व सत्कार किया गया। साथ ही पीएनसी परिवार ने पूज्य गुरुदेव को जिनवाणी जी भेंट कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित, इसी क्रम में श्री सर्वतोभद्र दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट द्वारा सर्वप्रथम महामहिम ट्रस्टी श्री प्रदीप जैन पीएनसी एवं श्री निर्मल जैन मोठिया का अभिनंदन किया गया। प्रफुल्लित है ये मन आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। जिसके बाद मुख्य ट्रस्टी श्री सुमेर चंद जैन पांड्या तेल वाले, श्री संजय जैन एटा वाले, श्री राजीव जैन बैंक वाले, डॉक्टर अरिंजय जैन, श्री दिलीप जैन उत्तम उद्योग, श्री विशाल जैन लोहाड़िया सासनी वाले, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री आकाश जैन कमला नगर, श्री पवन जैन गणपति बिल्डर्स, श्री नरेंद्र जैन सीताराम कॉलोनी, सौभाग्यशाली ट्रस्टी राजेंद्र जैन कपड़े वाले, पंकज जैन मुख्य संयोजक गंगे गौरी, प्रदीप जैन कागज वाले, मूलनायक 1008 आदिनाथ भगवान की 5.25 फुटी प्रतिमा प्रदाता परिवार श्री सुमेर चंद्र जैन पांड्या, श्री सुरेश चंद्र जैन पांड्या, अंशु वैभव विशाल जैन पांड्या, कर्मयोगी एनक्लेव कमला नगर आगरा। कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए आपके आने से। 5.25 फुटी श्याम वर्ण खड़गासन प्रतिमा पुण्यार्जक परिवार श्री प्रमोद जैन, सचिन जैन RCM, श्री पारस जैन गांधीनगर, श्री मुकेश जैन विटुमेन, श्री सुनील जैन, लोकेश जैन सुपाड़ी वाले, हरेश चंद्र जैन, रूप जैन, विजय जैन सोनी, श्री दिलीप जैन, राजीव जैन बीड़ी वाले, श्रीमती सुमन जैन, अंकित जैन, प्रशांत जैन। अष्ट धातु 9 इंच प्रतिमा पुण्यार्जक परिवार श्री रजत जैन, खुशबू जैन मुख्य संयोजक, श्री प्रदीप जैन, प्रभा जैन कागज वाले, श्री अनिल जैन, साधना जैन जारकी वाले, श्री सुनील जैन एडवोकेट, राजकुमारी जैन, श्री राहुल जैन, अंजलि जैन शमशाबाद वाले, वीर चंद्र जैन, अमित जैन, बिंदु जैन सन्मति, श्री राजेंद्र जैन एडवोकेट, उषा जैन, श्री मुकेश जैन, सुनीता जैन गंगे गौरी, श्री पवन जैन, नीता जैन चांदी वाले, श्री वीरेंद्र जैन, वंदना जैन कमला नगर। है श्रीमन आपका स्वागत है, श्रीमन आपका स्वागत है श्रीमन। शिखर प्रदाता श्री शिखर चंद जी सिंघई परिवार कमला नगर आगरा। भाव के पुष्प प्रेम की माला मंदिर जी में लगने वाले संपूर्ण सीमेंट प्रदाता श्री संजय जैन नशिया विजयनगर कॉलोनी आगरा। भाव हमारे अर्पित है।
मंदिर जी में लगने वाले संपूर्ण ईंट प्रदाता श्री प्रमोद जैन, सचिन जैन, आरसीएम परिवार कमला नगर आगरा, अभिषेक जल हेतु कुआ प्रदाता श्री संजय जैन, चेतन जैन, नटराजपुरम कमला नगर आगरा निवासी के साथ ही मंदिर वेदी के स्तंभ एवं भूमि दान देने वाले सौभाग्यशाली पुण्यार्जकों का भी अभिनंदन किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं। अगली श्रृंखला में पुण्यवान श्राविकाओं ने संगीत में वातावरण में मन भावन भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी। तदोपरांत विशाल जैन लोहाड़िया परिवार ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में अब समय आया मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जिसमें पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगल देशना से सभी को कृतार्थ किया। हम सभी लोग आज अक्षय तृतीया के पावन पुनित शुभ बेला पर इस बल्केश्वर गंगेबरी बाग का उस भव्य शिलान्यास समारोह में शामिल होने आए हैं, जिसके लिए 30 साल की आंखें तरस गई। सिंघई शिखर चंद जी जैन साहब, कितने साल, अगर उस समय जो व्यक्ति ने शादी की होगी तो उसका बच्चे आज शादी लायक हो चुके होंगे या उनके भी एक एक दो दो साल के बच्चे हो चुके होंगे। उस समय जब कमला नगर बसा, उसी समय चंदाप्रु भगवान आकर के यहाँ विराजमान हो गए। लेकिन कहते हैं ना, भाग से ज्यादा और समय से पहले किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। समय और भाग अब आया था और उपाध्याय वैसन सागर के निमित्त से होना था और आप सबके सहयोग से होना था। इसीलिए एक भगवान का मंदिर की हमने मिन्नतें मांगी। 30 साल में मिन्नतें ऐसे रिटर्न टू पवेलियन मिली कि एक साथ 25-25 भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य मिला। ऐसा जिनालय 10,000 से ज्यादा मंदिर पूरे भारतवर्ष में है, उस 10,000 में एक मंदिर सर्वदो भद्र जिनालय अपने आप में एक अद्भुत मंदिर होगा। जब वेदी बनेगी तो 45 फुट की, जितना बड़ा मेरा ये मंच देख रहे हो, इतने विशाल प्रांगण में आदिनाथ भगवान अपने पूरे परिकर के साथ विराजमान होंगे। व्हाइट कलर की दूध भी जिसके सामने शर्मा जाए, ऐसी दूध या प्रतिमा उस वेदिका में विराजमान होगी। सोचिए, पांड्या जी ने अपने जीवन काल में नहीं सोचा था कि मुझे उपाध्याय वैसन सागर इतनी बड़ी प्रतिमा दे देंगे अपने परिवार के साथ विराजमान करने का। ये बिटमिन इसने जी नहीं सोची थी कि आज तक मैंने पद्मासन तो बहुत विराजमान करे, खड़गासन 10-10 प्रतिमाओं का सौभाग्य, कितने सारे कोई सुपाड़ी वाले हैं, कोई सीए हैं, कोई है हमारे कोल्ड स्टोर वाले हैं, पीएनसी परिवार है, मोठिया जी है, कितने लोगों का सौभाग कि महानुभाव एक बड़ा सौभाग के साथ एक छोटा सौभाग उनको बोनस के रूप में मिल गया। गुरुवर के प्रवचन पश्चात महिला मंडल की सदस्याओं द्वारा दी गई भक्ति गीत की प्रस्तुति से समूचा वातावरण और भी भक्तिमय हो गया।
अगली कड़ी में श्री नरेंद्र जैन सीताराम कॉलोनी वालों ने शिलान्यास से पूर्व भूमि के उत्खनन की क्रियाएं की। तत्पश्चात इंजीनियर एनसी जैन एवं इंजीनियर हिमांशु जैन परिवार सहित सैकड़ों भक्तों ने मंदिर जी की न्यास में शिलाओं की स्थापना कर स्वयं को गौरवान्वित करने के साथ ही अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसके अतिरिक्त ग्रेटर कमलानगर की 108 महिलाओं ने भी सामाजिक एकता का परिचय देते हुए मंगल कलशों को शिलान्यास स्थल पर स्थापित कर अपने और समाज के गौरव में वृद्धि की। भक्त कर रहे पावन भूमि का पूजन, शुभ मंत्रों से भक्त कर रहे पावन भूमि का पूजन। मंदिर शिलान्यास के इस भव्य कार्यक्रम के संयोजक श्री पंकज जैन एवं श्री रजत जैन महामहिम ट्रस्टी, श्री प्रदीप जैन पीएनसी, श्री निर्मल जैन मोठिया एवं कोषाध्यक्ष, श्री पारस जैन सहित ग्रेटर कमलानगर के सभी चारों मंदिरों की प्रबंध कमेटी के पदाधिकारियों एवं सभी सदस्यों ने जहां अपना अमूल्य योगदान देकर कार्यक्रम को और भी भव्यता प्रदान की, तो वहीं आगरा के प्रसिद्ध बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड एचएल ग्रुप की ओर से इस आयोजन में वात्सल्य भोज की व्यवस्था की गयी। पुष्प नया कहलाएगा, पुष्प नया कहलाएगा, सारे जग को महकाएगा, जैसे वृक्षों में चंदन, शुभ मंत्रों से भक्त कर रहे पावन भूमि का पूजन, पावन भूमि का पूजन। धन्य हो रही धरा यहाँ की, गर्वित है ये पल पाकर। कार्यक्रम की समापन वेला पर महानुभावों ने जिनवाणी चैनल के माध्यम से अपने अपने विचारों को साझा किया। ये पांचवा दिनारा आगरा ग्रेटर कमलानगर का बनने जा रहा है और जिसका शिलान्यास था, ये बेहसंत सागर जी महाराज के सानिध्य में और उनकी प्रेरणा से आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर 10 प्रतिमाएँ खड़गासन 5.25 फुटी होंगी, 1.25 फुटी पद्मासन प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की होगी। ये ऐसा दिनालय होगा आगरा के आसपास के क्षेत्र में भी इस तरह की खड़गासन प्रतिमाएं नहीं हैं। ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल होगी और इसको पूर्ण करने का समय महाराज जी ने हमको कहा कि फरवरी में पंचकल्याणक करना है, उस हिसाब से पूरा आगरा जैन समाज हमारा साथ दे रहा है। आज हमारे बल्केश्वर और पूरे आगरा जैन समाज का एक बहुत बड़ा सौभाग्य उपाध्याय श्री वेशन सागर जी के सानिध्य में जागा है कि आगरा को और पूरे आगरा मंडल को एक ऐसा जिनालय मिलने जा रहा है जिसका वर्षों से प्रतीक्षा की जा रही थी, और इसकी प्रेरणा उपाध्याय श्री वेशन सागर जी महाराज। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य षष्ठ पटाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर आगरा स्थित बल्केश्वर ग्रेटर कमलानगर में निर्मित होने वाले श्री 1008 सर्वतोभद्र जिनालय के भव्य भूमि शिलान्यास समारोह के अति मंगलकारी दृश्य। मेडिटेशन गुरु परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 विहसंत सागर जी मुनिराज ससंग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने विधानाचार्य पंडित संदीप जैन शास्त्री सरल मेहगांव वाले जी के निर्देशन में शिलान्यास की मांगलिक क्रियाएं कर स्वयं को धन्य बनाया। इसके अतिरिक्त बहुत से भक्तों ने भूमिदान एवं वेदी स्तंभ दान देकर स्वयं को गौरवान्वित किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी समय है आपसे विदा लेने का। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सर्वतोभद्र जिनालय परिवार बल्केश्वर आगरा एवं सकल दिगंबर जैन समाज ग्रेटर कमला नगर आगरा उत्तर प्रदेश।